Hi, I'm Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics. आज मेरा ये तीसरा वीडियो है. इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ VBU Hazaribag इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर वन का पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, जो एक बहुत ही VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है उसका, इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. मैं ब्रीफली थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन, आखिर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है. तो पहले हम एक इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, फिर वी मूव टू एन इकोनॉमिक पढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक पढ़ जाएंगे. पहला है कि अगर हमारी आवश्यकताएं, वन साइड हमारी आवश्यकताएं, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, बट रिसोर्सेज विद विच वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट इज लिमिटेड. दैट्स द व्हाई इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. एक तरफ हमारी आवश्यकताएं अनंत है, दूसरी तरफ उसकी पूर्ति के साधन सीमित है, जिसके कारण हमें स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है, कमी की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण फॉर दैट रीजन वी हैव टू सैक्रीफाई something in order to get another things. In other word, we can say we have to sacrifice one commodity at the price, at the cost of other commodity. मतलब एक की कीमत पे दूसरा को. मान के चलिए हमारे पास एक एकड़ लाइन है, आइदर हम उसमें दो प्रोडक्ट, दो फसल का हम मतलब प्रोडक्शन कर सकते थे. एक को हमको सैक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो सब्जी लगा सकते हैं या तो गेहूं लगा सकते हैं. तो ये बात है. तो कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम, देयर आर बेसिकली सिक्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय इकोनॉमिक्स. तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. आखिर क्या प्रोड्यूस किया जाए, इन व्हाट क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, जिससे सभी का, सो डैट सभी का आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. तो सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है. फिर अगर आप किसी, ये कंप्लीटली डिपेंड ऑफन करता है टाइम फेज थ्रू विच इकोनॉमिक्स इज पासिंग थ्रू. हम किस चीज का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, ये डिपेंड करता है किस तरह की इकोनॉमिक्स है, किस तरह का टाइम प्रिवेलेंट है वहां पर. जैसे मान के चलिए वार पीरियड है, तो कोई भी इकोनॉमिक्स गन का प्रोडक्शन में अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा, गन के प्रोडक्शन में लगाएगा. वही अगर पीस टाइम है तो कोई भी इकोनॉमिक्स यही करेगा कि बटर के प्रोडक्शन में अपना नेचुरल रिसोर्सेस को लगाएगा. कि डिपेंडली किस तरह का सिचुएशन होता है उसी पर, जैसे एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपना डिसीजन लेता है, उसी तरह इकोनॉमिक्स को भी डिसीजन लेना पड़ता ताकि मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट पा सके. दूसरी क्वेश्चन आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस. इट रेफर टू या डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक. फर्स्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड सेकेंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. अ प्रोडक्शन टेक्निक विच इन्वॉल्व मोर units of labor and less unit of capital is the called labor intensive production technique. Whereas a production technique involve more unit of capital and less unit of labor is the called capital intensive production technique. अब ये depend करता है कि किस तरह का वो economics है. Suppose that हम American economics का लेंगे, they are having huge amount of capital and less amount of लेबर. तो वहां के लिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ज्यादा सुटेबल होगा एज कंपेयर टू इंडिया. और इंडिया के लिए क्या, कौन सा रेकमेंड होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, बिकॉज आवर कंट्री हैज ए ह्यूज पॉपुलेशन एंड लेस कैपिटल एज कंपेयर टू अमेरिकन इकोनॉमिक्स. थर्ड है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम. थर्ड प्रॉब्लम, तो नेशनल इनकम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज, वी नीड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर फाइव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप.
तो ये सबको जो उत्पादन करने के बाद इन लोगों के बीच में जो उत्पादित होता है, प्रोड्यूस होता है, इन्हीं के बीच में बांटा जाता है। तो जैसे लैंड पाता है, लैंड पाया, रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट, मैनेजमेंट सैलरी, लैंड लेबर, कैपिटल इंटर प्रीमियम, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस इज कम्प्लीटली डिपेंड अपन हाउ बिजनेस विल गो इन द फेवर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिपेंड करता है लैंड लेबर कैपिटल और लेबर पाता है वेज, ये भूल रहे हैं। तो ये पाता है कैसे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम अमंग दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो दैट इनइक्वालिटी बी रिड्यूस इन एनी इकोनॉमिक्स। तो ये चीज होनी चाहिए। तो हमारा जो फोकस होता है हमारा कि देखिए किसी कोई भी व्यक्ति इनकम प्राप्त करता है सिर्फ हाउ मच, ये कितना काम वो करता है किसी मैंने किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में, इसी पर डिपेंड नहीं करता उसका इनकम, बल्कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑनरशिप है। सपोज डैट मान के चलिए एक मजदूर है, वो काम कर रहा है तो उसको तो बहुत कम मिलता है, वही एक उसकी मालिक है, वो फैक्टर ऑफ, वो काम तो नहीं कर रहा लेकिन वो मालिक है उस जमीन का, तो उसका रेंट के रूप में ज्यादा उसको मिलता है। तो ये सब बातें हैं। फिर तीसरी आती है कि इकोनॉमिक्स इफिशियंसी। हाँ, जो हमारा पहला है कि हमारा क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक्स इफिशियंसी किसको कहते हैं, तो परेटो इफिशियंसी जो जानते हैं, इसके अनुसार नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, किसी को भी मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता जब तक किसी दूसरे को बिगाड़ कर, इस ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि किसी एक को मैंने क्या वेलफेयर को बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक दूसरे को घटाया नहीं जा सके। तो उसी तरह हमारे रिसोर्सेस को एम्प्लॉय इस तरह करना चाहिए ताकि नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। फिर चौथी बात होती है कि हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आइडियली, या हमने पूरा क्या कर सकते हैं, फुल इम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, वेदर दे आर इम्प्लॉयड और नॉट। ऐसा भी बहुत सारे टाइम आया है जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में 1929-30 में जब कैंसियन इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ था, तो उस समय कैपिटलिस्ट में बहुत सारे बेरोजगारी फैल गया था। तो उसी तरह एक इकोनॉमिक्स को डिसाइड करना पड़ता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना है, लैंड लेबर कैपिटल मैनेजमेंट सब फुल एम्प्लॉयमेंट पर है या नहीं। अगर नहीं है, जैसे एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन में बहुत लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेरोजगार हो जाता है, तो मैंने अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उसको इस तरह अपने पॉलिसी को फॉर्मेशन करना चाहिए ताकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। और चौथा है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। देखिए अगर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए ग्रोइंग ओवर द टाइम इज द नॉन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ही होता है कि किसी भी इकोनॉमिक्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है, अगर ये ग्रोथ होगा इकोनॉमिक्स में तो वहां अब प्रोडक्ट मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल होगा, डाउनफॉल गिरेगा मतलब कम होगा, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड एक तरफ तो सस्ता में मिलेगा, दूसरी तरफ जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा, तो यानी गरीबी अनइंप्लॉयमेंट ये सब भी खत्म होगी, जिससे वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जैसे हम लोगों की अपेक्षा अमेरिकन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। हम लोग हमारी कंट्री अभी तक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक्चुअली अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे तब क्लियर होगा। ग्रोथ जो एक्चुअली होता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज ए कंसर्न विद ए डेवलप कंट्री एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज ए कंसर्न विद ए डेवलपिंग कंट्री। तो वहां पर देखिए ग्रोथ का मतलब सिर्फ नहीं कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ तो बेरोजगारी है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, करप्शन है, वो नहीं। वहां पर ये ग्रोथ एक नैरो वर्ड है, छोटा वर्ड है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी वर्ड है। डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ प्लस जितना सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशनल है वो सब में भी परिवर्तन होते समय लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। ग्रोथ हमारा मान के चलिए 8 का है, 7 का है, जो भी हो, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पॉवर्टी खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लाइक डैट है। लेकिन ये ग्रोथ और इकोनॉमिक्स में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन डिटेल, बट लेट अस स्टॉप माई डिस्कशन। थैंक
तो यही है इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। आप पहली बार मेरी चैनल में आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको मिलेगा, एक या दो। जैसा ये 23 तारीख के अंदर मैं दोनों पेपर का अवेलेबल करा दूंगा नोट्स, और मेरी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। अगर डिमांड आएगी हिंदी में तो मैं हिंदी में भी लिखने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।